इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी होती भारतीय टीम को, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रूप में पहला और दूसरा झटका लगा तो अंग्रेज खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि ये दोनों ही विकेट टीम इंडिया के जल्दी गिर गए थे। उन्हें लगा था कि कप्तान के आउट होने के बाद टीम को निपटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी एक और वजह यह भी रही कि टीम में विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाज भी नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इस मुंबईकर ने 151 गेंद में 11 चौके और 3 छक्के उड़ाते हुए शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल 94 रनों पर थे और उनके सामने थे टॉम हार्टले। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने लॉन्ग ऑन पर छक्का उड़ाते हुए अपना शतक पूरा किया। यह उनके घरेलू मैदान पर पहला शतक है, जबकि ओवरऑल टेस्ट करियर का दूसरा है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला शतक जड़ा था, उस समय उन्होंने 171 रनों की पारी खेली थी। उसी सीरीज़ में उन्होंने टेस्ट करियर का डेब्यू भी किया था। शतक पूरा करने के बाद यशस्वी ने हेलमेट निकाला और उसे चूमते हुए दर्शकों का अभिवादन किया। दूसरी ओर इस दौरान उनके साथियों ने खड़े होकर ताली बजाते हुए अपने साथी का उत्साहवर्धन किया। यशस्वी की यहाँ जितनी तारीफ की जाए कम है। टर्निंग विकेट पर नाश्ती गेंदों के आगे इस युवा ने इंग्लैंड के अनुभवी जो रूट, टॉम हार्टले, डेब्यू स्टार शोएब बशीर की गेंदों के आगे पूरी मुस्तैदी से बैटिंग और मैदान के चारों ओर आक्रामक शॉट्स लगाए। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुभमन गिल 34 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान जायसवाल बिना किसी दबाव में आए अपना नेचुरल खेल खेलते रहे, जबकि अय्यर ने सेट होने में समय लिया। श्रेयस अय्यर भी आक्रामक होते दिख रहे थे, लेकिन 27 रनों के स्कोर पर टॉम हार्टले की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके ठोके थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBT स्पोर्ट्स।